अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नर्सिंग टॉक एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रू पेल्विस। लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि जो पेल्विस होता है उसके एनाटॉमिकली दो डिविजन्स किए गए होते हैं, तो एक है फालस पेल्विस एंड सेकेंड वन इज़ ट्रू पेल्विस। जो फालस पेल्विस है ये हमने पढ़ा हुआ है, आज हम पढ़ेंगे ट्रू पेल्विस। यहाँ पर जो आप शेडिड एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ द ट्रू पेल्विस। सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन द ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस हम डिफाइन करते हैं एज ए बोनी कैनाल, जहाँ से एक फीटस जो है पास ऑन होता है फॉर द डिलीवरी। अब हम इसको बोनी कैनाल क्यों कहते हैं? पहला, ये कैनाल इसलिए क्योंकि ये एक पैसेज जैसा होता है जहाँ से एक बेबी जो है पास ऑन हो जाता है। एंड दूसरा ये कि बोनी हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके हर एक साइड में बोन्स होती है। पोस्टीरियर इसमें सैक्रम और कॉक्सिकस होता है, लेटरल में इसको इलेक बोन्स होती है और एंटीरियर में इसको प्यूबिक बोन्स होती है, इसलिए हम इसको बोनी कैनाल बोलते हैं। अब हम देखेंगे इसकी बाउंड्रीज क्या है। पहले हम सुपीरियर बाउंड्रीज देखेंगे, सुपीरियर बाउंड्रीज ऑफ ट्रू पेल्विस। सुपीरियरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसको सैक्रल प्रोमोंट्री आता है, दैट इज़ द फर्स्ट बाउंड्री सुपीरियरली। इसके बाद सैक्रल प्रोमोंट्री से लेकर जो हम लाइन ले रहे हैं सिंफेसिस प्यूबिस तक, जिसको हम कहते हैं लीनियर टर्मिनलिस, ये इसका सेकेंड, इसकी सेकेंड बाउंड्री आ जाएगी। एंड थर्ड वन इज़ द अपर मार्जिनस ऑफ द सिंफेसिस प्यूबिक बोन्स, अपर मार्जिनस किसके, अपर मार्जिनस ऑफ प्यूबिक बोन्स। तो तीन बाउंड्रीज आते हैं सुपीरियरली, सैक्रल प्रोमोंट्री, लीनियर टर्मिनल्स एंड अपर मार्जिनस ऑफ द प्यूबिक बोन। अब यहाँ पे मैंने कहा लीनियर टर्मिनल्स, लीनियर टर्मिनल्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से लैंडमार्क्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हमने पूरे डिटेल में पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। सो इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट लीनियर टर्मिनल्स इन डिटेल, प्लीज़ चेक आउट द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन गिवन अबाउ। इसके बाद हम देखते हैं कि इनफीरियरली कौन कौन सी बाउंड्रीज आती हैं ट्रू पेल्विस की। इनफीरियरली पहले आप देखें यहाँ पे आता है इस्कियल ट्यूबरोसिटी आता है, इस्कियल ट्यूबरोसिटी। एंड नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पे आता है टिप ऑफ कॉक्सिकस। ये दो जो हैं ये बना देते हैं इनफीरियर बॉर्डर्स ऑफ द ट्रू पेल्विस। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लेटरल में कौन कौन से बॉर्डर्स आते हैं ट्रू पेल्विस में। तो यहाँ पे मैंने एरिया मार्क किया है जो बनाता है लेटरल बॉर्डर ऑफ द ट्रू पेल्विस। तो इसमें कौन कौन सा आता है एरिया या कौन कौन सा लैंडमार्क आता है, ग्रेटर शियोटिक नॉच आता है इसमें, दूसरा और एक नॉच यहाँ पे है जिसको हम लेसर शियोटिक नॉच बोलते हैं, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिगामेंटस भी है इसमें। एंड यहाँ पे जो एरिया है इसको हम बोलते हैं इनर बॉर्डर्स ऑफ इस्कियम। ये चारों जो हैं ये बना देते हैं ट्रू पेल्विस के लेटरल बॉर्डर्स, लेटरल। इसके बाद हम देखते हैं एंटीरियर बॉर्डर्स। एंटीरियरली भी मैंने एरिया यहाँ पे मार्क करा हुआ है, तो एंटीरियर में अब हम देखते हैं कौन कौन सा एरिया आता है इसमें। पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये होल जैसा है ये असल में ऑब्टुरेटर फोरामेन है, ऑब्टुरेटर है। इसके बाद यहाँ पे इनर मार्जिन आते हैं प्यूबिक बोन के, ये भी इसका पार्ट बनेंगे। एंड थर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है सिंफेसिस प्यूबिस, पोस्टीरियर सरफेस जो है सिंफेसिस प्यूबिस की, ये भी बना देते हैं एंटीरियर बॉर्डर्स ऑफ ट्रू पेल्विस। एंड लास्ट वन यहाँ पे एक रैमस आता है जो कि एसेंडिंग रैमस है, एसेंडिंग रैमस है इस्कियम की, जो बना देते हैं ट्रू पेल्विस के एंटीरियर बॉर्डर्स। तो चार आते हैं इंटीरियरली, ऑब्टुरेटर, इनर मार्जिन ऑफ प्यूबिक बोन्स, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सिंफेसिस प्यूबिस एंड एसेंडिंग रैमस ऑफ द इस्कियम। तो हमने चारों बॉर्डर्स पढ़े, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर्स ऑफ द
ट्रू पेल्विस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिविजन्स ऑफ ट्रू पेल्विस। पेल्विस के तीन डिविजन्स किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ इनलेट, सेकेंड इज़ कैविटी, और वी कैन से द मिड प्लेन, बट कैविटी इज़ द मोस्ट कॉमन यूज वर्ड, एंड थर्ड वन इज़ द आउटलेट। अब हम इनलेट, कैविटी और आउटलेट को एक एक करके पढ़ते हैं। इनलेट और पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम हम बोलते हैं जो यहाँ पे सुपीरियर सर्कमफ्रेंस बनती है सेक्रल प्रोमोंट्री से, इलेग बोन से और प्यूबिक बोन से। यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस ये जो बना देते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रिम, ब्रिम ऑफ ट्रू पेल्विस। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक एरिया क्लोज एनक्लोज करते हैं, ये एक स्पेस एनक्लोज करते हैं, उस स्पेस को हम बोलते हैं इनलेट। तो पेल्विक ब्रिम इज द सुपीरियर सर्कमफ्रेंस फॉर्मड ऑफ सेक्रल प्रोमोंट्री एट द बिहाइंड, इलेक बोन इज ऑन द साइड्स एंड प्यूबिक बोन इज इन फ्रंट, वाइल द इनलेट इज द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द ब्रिम। ब्रिम जो है ये होता है राउंड इन शेप, एक्चुअली में ये राउंड होता है एक्सेप्ट जहाँ पे सेक्रल प्रोमोंट्री है, जो सेक्रल प्रोमोंट्री है दैट प्रोजेक्टस इनटू द इनलेट। सेक्रल प्रोमोंट्री जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं इनटू द इनलेट, इस वजह से यहाँ पे सेक्रल प्रोमोंट्री के पास ये राउंड नहीं रहती है। अब हम बाउंड्रीज देखते हैं पेल्विक ब्रिम की। इन ए सिंगल वर्ड वी कैन से पेल्विक ब्रिम की जो बाउंड्रीज है वो यही लीनियर टर्मिनलिस है, लीनियर टर्मिनलिस इज फॉर्मड फ्रॉम द पॉइंट्स 1 to 9, सो दिस फॉर्म द बाउंड्रीज ऑफ द पेल्विक ब्रिम। इसके बाद हम देखते हैं डायमीटर्स ऑफ द ब्रिम और इनलेट। जो डायमीटर्स हैं ब्रिम और इनलेट के, इसके तीन टाइप्स है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, दूसरा है ट्रांसवर्स डायमीटर, एंड थर्ड वन इज द ओब्लीक डायमीटर। पहले हम पढ़ेंगे इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, या इसको हम कंजुगेट भी बोलते हैं, कंजुगेट्स। इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को कंजुगेट्स भी बोलते हैं। इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है ये हम मेजर करते हैं फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोंट्री, यहाँ से सेक्रल प्रोमोंट्री के मिड पॉइंट से हम ये मेजर करते हैं, टू द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ अपर मोस्ट बॉर्डर ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस। ये जो अपर मोस्ट बॉर्डर है सिम्फेसिस प्यूबिस का, यहाँ तक हम मेजर करते हैं इसको, ऐसे इसको हम बोलते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। बट ये जो है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, इसके तीन टाइप्स है इसके। फर्स्ट वन इज़ एनाटॉमिकल कंजुगेट हम मेजर करते हैं जो मिड पॉइंट होता है सेक्रल प्रोमोंट्री का, वहाँ से लेकर हमें मेजर करना है टू द अपर मोस्ट पॉइंट ऑन द सिम्फेसिस प्यूबिस। जो सिम्फेसिस प्यूबिस पे अपर मोस्ट पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे एनाटॉमिकल कंजुगेट, और ये होता है अराउंड 12 सेंटीमीटर, एनाटॉमिकल कंजुगेट। इसके बाद हम देखेंगे होता है दूसरा वाला जिसको हम बोलते हैं ओबोस्ट्रैटिकल कंजुगेट। ओबोस्ट्रैटिकल कंजुगेट हम करते हैं मेजर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सॉरी फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोंट्री टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस, इसको हम बोलते हैं ओबोस्ट्रैटिकल कंजुगेट, और ये होता है तकरीबन 11 सेंटीमीटर। और यही जो होता है ओबोस्ट्रैटिकल कंजुगेट, यही होता है वो डायमीटर जो अवेलेबल होता है फॉर द चाइल्ड बर्थ। दिस इज ऑफ द एक्चुअल ओबोस्ट्रैटिकल इम्पोर्टेंस, ओबोस्ट्रैटिकल कंजुगेट। पोस्टीरियर सरफेस
ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस से लेकर मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोंट्री तक जो डायमीटर आता है उसको हम बोलते हैं ओपोस्ट्राटिकल कंजुगेट. एंड थर्ड वन इज द डायगनल कंजुगेट. डायगनल कंजुगेट हम मेजर करते हैं फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोंट्री टू द lower border of the symphysis pubis, to the lower border of the symphysis pubis, और ये होता है अराउंड 12 to 13 सेंटीमीटर. अगर यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हुआ कि डायगनल कंजुगेट क्या होता है तो उसके लिए मैं एक यहाँ पर एक छोटी सी एक इमेज बना देती हूँ, आप नज़र रखिएगा. ये रहा सेक्रल प्रोमोंट्री, ये रहे सेक्रल वर्टिब्रे और ये रहा कॉक्सिक्स, ये है सिम्फिसिस प्यूबिस. तो अगर हम सेक्रल प्रोमोंट्री से लेकर अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस तक हम मेजर करते हैं डायमीटर तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल कंजुगेट. अगर हम सेक्रल प्रोमोंट्री के मिड पॉइंट से मेजर करेंगे टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सिम्फिसिस प्यूबिस तो इसको हम बोलते हैं ओबस्ट्राटिकल कंजुगेट. और अगर हम मेजर करेंगे सेक्रल प्रोमोंट्री से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस तक तो इसको हम बोलते हैं डायगनल कंजुगेट. आई होप कि अब यहाँ पे समझ आया होगा कि हम डायगनल कंजुगेट किसको बोलते हैं. तो इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर. ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है ये होता है अ लाइन बिटवीन द फर्दर रेस्ट पॉइंट्स ऑन द इलियोपेक्टिनल लाइनस. ये है इलियोपेक्टिनल लाइन, ये है इलियोपेक्टिनल लाइन. इनके दरमियान जो सबसे फर्दर रेस्ट पॉइंट्स है उनके दरमियान जो डायमीटर आता है उस डायमीटर को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर. और ये होता है अराउंड 13.5 सेंटीमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द प्रूम. एंड उसके बाद हम देखते हैं ओब्लिक डायमीटर. ओब्लिक डायमीटर जो होता है ये हम मेजर करते हैं फ्रॉम द सेक्रोइलियक जॉइंट. यहाँ पे जो सेक्रोइलियक जॉइंट्स है सेक्रोइलियक जॉइंट से हमें मेजर करना है टू द यहाँ पे जो इलियोपेक्टिनल इमिनेंस है तो सेक्रोइलियक जॉइंट से लेकर इलियोपेक्टिनल इमिनेंस तक जो डायमीटर हमें आता है उसको हम बोलते हैं ओब्लिक डायमीटर. यहाँ पे इमेज पे गलत दिखाया हुआ है तो असल में ये सेक्रो इलियक जॉइंट से लेकर इलियोपेक्टिनल इमिनेंस तक जो लाइन यहाँ जो डायमीटर हम मेजर करेंगे उसी को हम बोलते हैं ओब्लिक डायमीटर. ये हम दोनों साइड से मेजर करते हैं, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है. अगर हमारे पास सेक्रोइलियक जॉइंट राइट वाला सेक्रोइलियक जॉइंट होगा और लेफ्ट वाला इलियोपेक्टिनल लाइन इमिनेंस होगी तो जो उस वक्त हम डायमीटर मेजर करेंगे इस डायमीटर को हम बोलेंगे राइट ओब्लिक डायमीटर. इसी तरह अगर लेफ्ट से मेजर करेंगे टू द राइट इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ओब्लिक डायमीटर. और ओब्लिक डायमीटर जो होते हैं ये होते हैं अराउंड 12 सेंटीमीटर्स. सो वी हैव स्टडीड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर एंड ओब्लिक डायमीटर्स. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी पेल्विक कैविटी. पेल्विक कैविटी जो इनलेट और आउटलेट के बीच में जो स्पेस रहती है उसको हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी. जो इनलेट और आउटलेट के बीच में जो स्पेस रहती है उसको हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी. ये इनलेट है और ये आउटलेट है तो यहाँ पे जो ये स्पेस बीच में आ जाती है इसको हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी. एंटीरियरली अगर आप देखोगे एंटीरियरली इसको प्यूबिक बोन्स आते हैं और सिम्फेसिस प्यूबिस आता है इसका भी इंटीरियर में पेल्विक कैविटी
प्यूबिक बोन्स आती है और सिम्फिसिस प्यूबिस आता है इसको, एंड पोस्टीरियर में इसको आता है करोआ सैक्रम और आता है कॉक्सिक्स। लेटरल में इलेग बोन्स आती है, बट अगर आप देखोगे एंटीरियर में ये कम होता है, शैलो होता है, ये अराउंड 4 सेंटीमीटर ही होता है एंटीरियर में, बट पोस्टीरियर में ये होता है अराउंड 12 सेंटीमीटर डीप। तो यहाँ पे चूंकि इम्बैलेंस है बिटवीन द एंटीरियर लेंथ एंड द पोस्टीरियर लेंथ, उस वजह से क्या होता है यहाँ पे एक करू जैसी बनती है जिसको हम बोलते हैं करव ऑफ कैरस। करव ऑफ कैरस जो होती है, जो इनलेट होता है कैविटी और आउटलेट जो होता है, इनके जो मिड पॉइंट्स होते हैं इन प्लेन्स के, तो अगर उन प्लेन्स के मिड पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे एक करो जैसी बनती है जिसको हम बोलते हैं करो ऑफ कैरस। और इसी करो ऑफ कैरस के थ्रू, या हम बोलेंगे इसी करो ऑफ कैरस के जो पोजीशन है उसी हिसाब से जो बेबी है वो भी पास ऑन हो जाता है थ्रू द कैविटी। और कैविटी में अगर आप देखोगे, कैविटी में होता है पेल्विक कोलन, रेक्टम, ब्लेडर और कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनस भी होते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनस होते हैं जिसमें लाइक ओवरीज होती हैं, ट्यूब्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स हम जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एंटीरियरली जो है, यहाँ पे एंटीरियरली रेक्टम होता, पोस्टीरियरली रेक्टम होता है और एंटीरियरली यहाँ पे जो है यहाँ पे होता है ब्लेडर और यहाँ पे बीच में होता है यूट्रस। तो ये होते हैं ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी। सो पेल्विक कैविटी में होता है पेल्विक कोलन होता है, रेक्टम होता है, ब्लेडर होता है और होता है यूट्रस, एंड ओवरीज भी होती है उधर ही, एंड फैलोपियन ट्यूब्स भी उधर ही होते हैं। अब इस पेल्विक कैविटी के जो डायमीटर्स हैं वो मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके भी 3 डायमीटर्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर, ओब्लिक डायमीटर, बट इसके डायमीटर जो हैं वो मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है, बट दीज आर कंसिडर टू बी 12 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज। ऑल द 3 डायमीटर्स आर सेड टू बी इक्वल एंड आर सेड टू बी आर ऑन एन एवरेज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट जो लोअर एंड होता है पेल्विस का, ये बहुत ही इरेगुलर शेप का होता है, और अगर आप वहाँ पे जो बोनी पोर्शंस है उनको आप ये मार्क कर दोगे तो एक इरेगुलर शेप जैसी बन जाती है और एक स्पेस एनक्लोज वहाँ पे हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पेल्विक आउटलेट। और पेल्विक आउटलेट में एंटीरियरली होता है प्यूबिक आर्च, लेटरल में होते हैं स्केल ट्यूब्रास्टीज, एंड पोस्टीरियरली होते हैं टिप ऑफ द कॉक्सिकस। तो यहाँ पे एक स्पेस एनक्लोज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं आउटलेट। ये यूजुअली डायमंड शेप्ड होती है। बट जो पेल्विक आउटलेट होता है, पेल्विक आउटलेट के ड्यूजेनस किए गए हैं, 2 ड्यूजेनस किए गए हैं इसके पेल्विक आउटलेट के। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ड्यूजेनस ऑफ द आउटलेट, वी विल जस्ट रीड अबाउट द, वी विल सी व्हाट आर द प्लेन्स ऑफ द पेल्विस। ये जो आप देख रहे हैं ये इनलेट है, ये वाली ये इनलेट है, एंड इसके बाद ये जो प्लेन है ये कैविटी है, ये जो लास्ट वाला यहाँ पे था ये वाला, इसको हम बोलते हैं नेरो पेल्विक सिट्रेट हम इसको बोलते हैं। और ये जो नेरो पेल्विक सिट्रेट होता है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द सैक्रोकोक्सीजियल जॉइंट से, और इसको साइड में दोनों साइड के स्केल स्पाइनस होती हैं, और सामने से इसको होता है
लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस. तो जो स्पेस वहाँ पे एनक्लोज होती है फ्रॉम सैक्रोकोक्सीजियल जॉइंट टू अपोजिट साइड्स ऑफ द स्केल स्पाइनस एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस जो एनक्लोज करते हैं एक प्लेन को, उसको हम बोलते हैं नेरो पेल्विक स्ट्रेट हम इसको बोलते हैं. और यहाँ पे जो ये है लास्ट वाला, इसको हम बोलते हैं आउटलेट. अब मैंने यहाँ पे बोला था पेल्विक के दो डिविजन्स किए गए हैं, एक है एनाटॉमिकल आउटलेट एंड दूसरा है ओबस्ट्रैटिकल आउटलेट. पहले हम देखेंगे एनाटॉमिकल आउटलेट क्या होता है. एनाटॉमिकल आउटलेट यहाँ पे आप देखें, ये जो है टिप ऑफ द कॉक्सिकस, यहाँ पे टिप ऑफ कॉक्सिकस और ये है स्केल ट्यूब्रास्टी. ये जो यहाँ पे बना देते हैं स्केल ट्यूब्रास्टी और टिप ऑफ कॉक्सिकस के दरमियान जो आउटलेट आता है इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल आउटलेट. बट ये जो यहाँ पे था ये वाला, इसको मैंने अभी बोला, इसको हम बोलते हैं नेरो पेल्विक स्ट्रेट. इस नेरो पेल्विक स्ट्रेट से लेकर एनाटॉमिकल आउटलेट तक जो यहाँ पे स्पेस आ जाती है बीच में, इसको हम बोलते हैं ओबस्ट्रैटिकल आउटलेट. इसी स्पेस को हम बोलते हैं ओबस्ट्रैटिकल आउटलेट एंड दिस स्पेस इज ऑफ द ग्रेटर इम्पोर्टेंस इन द ओबस्ट्रैटिकस, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर ही रोटेशन होता है. जो प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है उसकी रोटेशन जो है, प्रेजेंटिंग पार्ट की रोटेशन वो इसी पार्ट में होती है, इसको हम बोलते हैं ओबस्ट्रैटिकल आउटलेट. सो ओबस्ट्रैटिकल आउटलेट इज द स्पेस एनक्लोज्ड बाय नेरो पेल्विक स्ट्रेट एंड एनाटॉमिकल आउटलेट इज द स्पेस दैट इज एनक्लोज्ड बाय नेरो पेल्विक स्ट्रेट एंड एनाटॉमिकल आउटलेट. एंड दिस शेप, इसी वाले एरिया की शेप जो होती है वो होती है डायमंड की. ओबस्ट्रैटिकल आउटलेट की ही शेप होती है डायमंड शेप, जो आप बाद में बोलते हैं आउटलेट की शेप होती है डायमंड. सो दीज वर द डिविजन्स ऑफ द आउटलेट, एनाटॉमिकल आउटलेट एंड ओबस्ट्रैटिकल आउटलेट. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डायमीटर्स ऑफ द आउटलेट. इसके भी तीन डायमीटर्स होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स. इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो हम मेजर करते हैं फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस टू द सेक्रल प्रोमोंट्री और ये होता है अबाउट 13 सेंटीमीटर और ये होती है स्पेस दैट इज अवेलेबल फॉर द चाइल्ड बर्थ. उसके बाद होता है ओब्लिक डायमीटर. ओब्लिक डायमीटर जो होता है वो हम मेजर करते हैं फ्रॉम द ऑब्टूरेटर फोरमैन, यहाँ पे ऑब्टूरेटर फोरमैन है, टू द सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट. बट यहाँ पे कोई फिक्स्ड